Hello, my little angels. Today we are going to do a quick study of EVS subject standard 4. So the first chapter is very interesting and a very easy chapter. And I hope that you all really enjoy my quick lecture on this topic, the life cycle of animals. So today we are going to basically study the life cycle of animals. We all know the life cycle of humans, but we do not know how is the life cycle of animals. मतलब कि उनका जन्म से लेके बड़े होने तक वो कैसे जन्मते हैं और फिर कैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं. All right. So the first thing which is given here is look at the puppies and their mother in the picture. Do you see some similarities? ये एक डॉग है और ये डॉग के पपीज हैं. पपीज मतलब डॉग के बच्चे हैं. डॉग के बच्चों को बोलते हैं पपीज. क्या आपको इनमें कुछ एक जैसा दिख रहा है? लुक एट द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर दैट हैज कम आउट ऑफ द एग. डू यू सी एनी सिमिलैरिटीज? फिर वो हमको बता रहे हैं कि बटरफ्लाई और उसकी बेबी में आपको कुछ दिख रहा है कि सेम कुछ? नहीं. डॉग और उसके पपीज काफ़ी सेम हैं, पर बटरफ्लाई और बटरफ्लाई का बेबी कैटरपिलर सेम नहीं है. राइट. नेक्स्ट, कैन यू टेल? अ हेन लेज एग्स. चिक्स कम आउट ऑफ दोज एग्स. डू किटन्स कम आउट ऑफ एग्स? ये हमको बता रहे हैं कि ये हेन है और हेन एग्स देता है और एग्स में से निकलते हैं हेन के बेबीज जिनको बोलते हैं चिक्स. लेकिन क्या कैट का बेबी भी एग में से निकलता है? ये हमको पूछ रहे हैं. नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स. मतलब एनिमल्स कैसे बड़े होते हैं? अ किड एंड अ फुल्ली ग्रोन गोट आर नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट. ये बोल रहा है कि गोट और गोट का बच्चा सेम दिखते हैं. उन लोग इतने डिफरेंट नहीं दिखते. देर इज नॉट मच डिफरेंस. नॉट मच मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है. बिटवीन अ किटन एंड एन अडल्ट कैट. मतलब कि एक कैट और किटन. किटन होता है कैट का बेबी. तो उन दोनों में भी कुछ खास फर्क नहीं होता. दीज बेबीज ग्रो इन देयर मदर्स टमी एंड आर बॉर्न फ्रॉम द मदर्स टमी टू. अपन को ये बता रहे हैं कि गोट का बच्चा, कैट का बच्चा, डॉग का बच्चा, ये सब मम्मी के स्टमक में ग्रो हो जाते हैं और फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो वो एक बेबी निकलता है. जैसे हम सब भी अपनी मम्मा के, ह्यूमंस भी मम्मा के टमी में से निकलते हैं. क्या हम अंडे बनकर निकलते हैं? नहीं, हम एक बेबी बनकर निकलते हैं. सो वैसे ही कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने मम्मी की टमी में से बेबीज ही निकलती है और कोई कोई एग्स देते हैं. दीज एनिमल्स डू नॉट ले एग्स बट सम एनिमल्स लाइक क्रोज, स्पाइडर्स, लिजर्ड्स ले एग्स. पर ऐसे कुछ कुछ एनिमल्स हैं जो एग्स देते हैं, जैसे कि क्रोज, स्पाइडर्स मतलब मकड़ी, लिजर्ड्स मतलब चिपकली अंडे देती है. नेक्स्ट, अ चिकन इज बॉर्न फ्रॉम एन एग. एंट्स, बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, स्नेक्स आर ऑल एनिमल्स दैट ले एग्स. ये सारे एनिमल्स जो एंट्स है, बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, ये सब एग्स देते हैं. बट वी डू नॉट ऑफन सी देयर एग्स. पर उनके एग्स दिखते नहीं हैं. क्यों नहीं दिखते हैं? आगे पढ़ते हैं. द एग्स ऑफ सम वेरी स्मॉल एनिमल्स आर वेरी टाइनी. अपन को ये बता रहे हैं कि कोई कोई एग्स इतने टाइनी होते हैं कि वो अपन को नहीं दिख सकते. जैसे कि एक एंट. एंट मतलब कीड़ी. कीड़ी का बच्चा, वो कीड़ी इतनी छोटी है तो उसका एग कितना छोटा होगा आप सोच सकते हो कि अपन को नहीं दिख सकता. वी वुड हार्डली नोटिस देम. अपन को वो नज़र नहीं आते. सो वी डू नॉट कम टू नो दैट दीज एनिमल्स ले एग्स. अपन को नहीं पता चलता. बट
वी नो फॉर श्योर दैट अ हैन लेज एग, लेकिन हमको ये पक्का पता है कि एक हैन, एक मुर्गी अंडा देती है. हर एग्स आर बिग इनफ टू बी ईजिली सीन, लेकिन एक मुर्गी का अंडा अपन को आराम से दिख जाता है, राइट? यहाँ पे अपन को सिखाया है हैच का मतलब, HETCH, हैच. When a hen sits on her eggs to warm them, she is said to be hatching her eggs. यह अपन को बता रहे हैं कि जब एक मुर्गी, एक हैन अपना अंडा दे देती है, उसके बाद उस अंडे पे वो बैठी रहती है. क्यों बैठती है? ताकि वो अंडा गर्म हो जाए. 10-12 दिन तक बैठी रहती है. फिर जब वो अंडा गर्म होता है तभी वो फूटता है, और उस फूटने को कहते हैं हैचिंग. ओके, अ हैन लेज एग्स. वॉर्म्थ इज नेसेसरी फॉर द चिक्स टू ग्रो इनसाइड द एग. वॉर्म्थ मतलब गर्माही, गर्मी की ज़रूरत है एक एग को फूटने के लिए. सो आफ्टर लेइंग देम, उसको पैदा करने के बाद, द हैन सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वॉर्म. उसको गर्म करने के लिए वो उसके ऊपर बैठ जाती है. द चिक इनसाइड स्लोली कीप ग्रोइंग, और जो हैन की बेबी चिक होती है वो अंदर गर्म गर्म हो के बड़ी होती रहती है. When its growth is complete, जब वो बड़ी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है उसकी ग्रोथ, उसकी जो बड़ा होने का जो प्रोसीजर है वो ख़त्म हो जाता है, वो अपने आप एग को फाड़, मतलब एग फूट जाता है अपने आप, और वो बाहर निकल जाती है, जैसे कि अपन को पिक्चर में दिखाया है. द चिक ब्रेक्स द एग शेल एंड कम्स आउट. Isn't it cute? The hen looks after its chicks till they grow a little bigger. हैन अपनी चिक्स का ध्यान रखती है जब तक वो थोड़े बड़े हो जाते हैं. जैसे आपकी मम्मी भी, आपके पापा भी आपका ध्यान रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही. फिर ये बोल रहे हैं, आपको पता है, डू यू नो, व्हेन अ हैन इज हैचिंग हर एग्स शी बिकम्स एग्रेसिव फॉर फियर ऑफ देयर सेफ्टी. वो कह रहे हैं कि आपको पता है, एक हैन है ना, जब अपने अंडे पे बैठती है ना, जब वो हैच करती है तो वो बहुत गुस्से में हो जाती है, क्योंकि उसे डर लगता है अब कि कोई मेरे बच्चों को मार नहीं दे. शी अटैक्स एनी वन, वो किसी पे भी अटैक कर देती है, हु ट्राइज टू गो नियर द एग्स. अगर किसी ने एग के बाजू में जाने की कोशिश की तो वो हैन उस पर अटैक कर देती है. वॉट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द हैन एंड हर चिक. ये पूछ रहे हैं कि हैन और उसके चिक में, हैन का बेबी चिक में क्या सेम सेम है. सिमिलैरिटीज मतलब क्या सेम सेम है. सो हैन और उसकी बेबी में काफ़ी सिमिलैरिटीज है. आप ये सिमिलैरिटीज देख के, समझ के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा. नेक्स्ट, मेटामॉर्फोसिस. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, शायद ये आप लोग के लिए न्यू है, पर ये बहुत ही अमेजिंग है. देर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन अ गोट एंड इट्स किड. एक गोट और उसके बच्चे में काफ़ी सेम सेम चीज़ें हैं. एंड बिटवीन अ हैन एंड हर चिक, हैन और उसके बेबी चिक में भी काफ़ी कुछ सेम है. हाउ एवर, अ कैटरपिलर एंड अ बटरफ्लाई आर वेरी डिफरेंट. लेकिन एक बटरफ्लाई और कैटरपिलर बहुत अलग दिखते हैं. बटरफ्लाई का बेबी होता है कैटरपिलर. दस इन सम एनिमल्स द यंग वन ग्रोज इन टू एन एडल्ट एनिमल दैट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यंग वन. दिस चेंज ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. सो ये अपन को बता रहे हैं कि ऐसे भी एनिमल्स हैं जो बड़े होने के बाद एकदम डिफरेंट लगने लग जाते हैं, और उनके बेबी उनसे अलग होते हैं. एडल्ट मतलब एक बड़ा एनिमल, ओके. यंग मतलब उसका बच्चा. मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई. बटरफ्लाइज ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटिफुल कलर्स आर अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट. अपना जो नेचर है, जहाँ हम रहते हैं इस दुनिया में, बहुत सारी टाइप्स की बटरफ्लाइज हैं, बहुत सारी शेप्स की बटरफ्लाइज हैं, और बहुत सारी ब्यूटिफुल कलर्स की बटरफ्लाइज हैं. दे लिव इन देयर लाइफ अमंग प्लांट्स. उनकी लाइफ है प्लांट्स. वो जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होंगे वहीं पर बहुत सारी बटरफ्लाइज होंगी.
एज बटरफ्लाइज ग्रो दे पास थ्रू फोर स्टेजेस. बटरफ्लाई जब एक अंडा देती है तो उसका बच्चा फोर स्टेजेस से पास होता है. आगे हम पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा. दीज आर एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट. मतलब जब बटरफ्लाई एग देती है, पहले सबसे पहले होता है स्टेज वन एग, सेकेंड स्टेज वो एक लावा में बदलता है, फिर थर्ड स्टेज प्यूपा बन जाता है और लास्ट स्टेज होता है एडल्ट स्टेज. और वो जब वो बड़ी हो जाती है वो होता है बटरफ्लाई. द अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई. जब वो पूरी तरह बड़ी हो जाती है, एडल्ट मतलब बड़ा, तो उसे बटरफ्लाई कहते हैं. द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, ये है एक टाइगर बटरफ्लाई. इस बटरफ्लाई का नाम है टाइगर बटरफ्लाई. इज अ वेरी कॉमन वन, ये बहुत कॉमन है, हर जगह दिख जाती है. लेट अस टेक इट्स एग्जाम्पल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई टेक्स प्लेस. द फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज एन एग ऑन द मिल्क वीड. मिल्क वीड मतलब एक रुई की लीफ होती है, जहाँ पे रुई उगती है उसके पत्ते पे ही एक प्लेन टाइगर बटरफ्लाई अपना अंडा देती है. इन 6 to 8 days, 6 से लेके 8 दिन में लार्वा इमर्जेस फ्रॉम द एग. एक लार्वा निकलता है एग के अंदर से. द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर. तो जब वो एग फूटता है तो उसके अंदर से एक लार्वा निकलता है और उस लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये लंबा सा. ओके, सो वेन द कैटरपिलर कम्स आउट ऑफ द एग, जब कैटरपिलर एग के बाहर आता है, इट इज़ वेरी हंग्री. वेरी हंग्री मतलब बहुत उसको भूख लगी होती है. इट बिगिन्स टू निबल एंड ईट द वेरी लीफ ऑन विच इट इमर्जेस फ्रॉम द एग. वो जैसे ही बाहर निकलता है ना अंडे से, वो लीफ को खाने लग जाता है, चप 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 चप. इट ईट्स वेरी फास्ट, वो बहुत फास्ट खाता है. सो इट्स ग्रोथ इज वेरी रैपिड, क्योंकि वो इतना फास्ट खाता है कि वो जल्दी से बड़ा हो जाता है, जल्दी से बड़ा होने लग जाता है. मोल्ट, मोल्ट एक नया वर्ड है, उसका मीनिंग है टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ. इसका मतलब होता है कि जब अपन नहीं, एनिमल्स जब अपनी पुरानी स्किन को गिरा देते हैं और जब उनकी न्यू स्किन आ जाती है, उसको कहते हैं मोल्ट. द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रोज सो रैपिडली इन द फर्स्ट 2 or 3 days that it does not fit in its skin anymore. तो ये अपन को बता रहे हैं कि जब एक प्लेन टाइगर बटरफ्लाई का एग फूट के कैटरपिलर निकलता है, तो वो लीव्स को खा के इतनी जल्दी बड़ा हो जाता है, 2 या 3 दिन में बड़ा हो जाता है, तो उसकी जो चमड़ी होती है ना वो फिट ही नहीं होती है और वो चमड़ी ओल्ड स्किन हो जाती है, पुरानी स्किन हो जाती है और वो गिर जाती है और एक न्यू लूज ढीली स्किन उसके ऊपर आ जाती है. But under the old skin, a new loose skin is formed on the growing caterpillar. Then the caterpillar sheds the old skin and that is called molts. मतलब जब caterpillar अपनी पुरानी old skin को गिरा के new skin आ जाती है, तब उस चीज़ को कहते हैं molt. Again it begins to gobble up the leaf and continues to grow rapidly. तो वापस वो है ना लीव्स को खाता है खाता है खाता है और जल्दी से बड़ा 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 होता जाता है. फिर से इन 2 or 3 days इट मोल्ट्स अ सेकेंड टाइम. फिर से दो तीन दिन के बाद वो अपनी ओल्ड स्किन को गिराता है और न्यू स्किन आती है, ढीली स्किन आती है, उसी को मोल्ट कहते हैं अपन. इन दिस वे इट मोल्ट्स 4 times. यही चीज़ 4 बार होती है एक कैटरपिलर के साथ. 2-3 दिन में एक बार होती है, फिर 2-3 दिन में. ऐसे करके वो अपनी ओल्ड स्किन को गिराता है, न्यू स्किन आती है, उसे कहते हैं मोल्ट्स. इट रिमेन्स इन द कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 days. वो कैटरपिलर बन के 12 days तक रहता है. जस्ट बिफोर द लास्ट मोल्ट, जैसे ही उसका 4th मोल्ट आता है, द कैटरपिलर वीव्स अ बटन ऑफ अ सिल्किन थ्रेड ऑन अ स्टॉक और अ लीफ एंड हैंग्स इटसेल्फ फ्रॉम इट. तो जैसे ही उसका वो मोल्ट प्रोसीजर ख़त्म होने आता है, वो एक पतली सी धागे से एक बटन जैसा बना देता है और लीफ या फिर कोई ब्रांच के, झाड़ के कोई ब्रांच के ऊपर अपने आप को लटका लेता है और उसके अंदर होता है कैटरपिलर. तो जब वो फर्स्ट, व्हेन इट मोल्ड्स दिस टाइम, जब वो इस टाइम पे अपनी पुरानी स्किन गिरा के न्यू स्किन लेके आता है, इट फॉर्म्स अ प्यूपा. मतलब ये थर्ड स्टेज है, ये
थर्ड स्टेज है. तो प्यूपा विच इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ हिज ग्रोथ, मतलब वो पहले एग बना, फिर लावा और कैटरपिलर बना, फिर प्यूपा. द प्यूपा ऑफ अ बटरफ्लाई, ये जो आपको दिख रहा है ये, इसे कहते हैं क्राइसैलिस. क्राइसैलिस, ऑल राइट. सो द प्यूपा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ क्राइसैलिस. तो इट रिमेन्स इनसाइड द क्राइसैलिस, इट मतलब कैटरपिलर, इट रिमेन्स इनसाइड द क्राइसैलिस फॉर द नेक्स्ट 11 और 12 डेज. वो क्राइसैलिस के अंदर 11 और 12 डेज के लिए रहता है. इट डज नॉट ईट एनी थिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज, वो ये 11-12 दिन कुछ भी नहीं खाता है. हाउ एवर इनसाइड द क्राइसैलिस इम्पॉर्टेंट चेंजेस टेक प्लेस इन इट्स बॉडी. लेकिन 10-12 दिन में एक कैटरपिलर की बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं. द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर गेट्स कम्प्लीटेड इनसाइड द क्राइसैलिस, उसकी पूरी ग्रोथ इस क्राइसैलिस के अंदर हो जाती है. तो 10-12 दिन के बाद देन द एडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द क्राइसैलिस. और फिर 10-12 दिन के बाद जब वो बटरफ्लाई बन जाती है, वो क्राइसैलिस को फोड़ती है और बाहर उड़ जाती है इस एनवायरनमेंट में, इस नेचर में आने के लिए. सो इट नाउ हैज़ 4 अट्रैक्टिव विंग्स. तो एक बटरफ्लाई की 4 विंग्स होती है एंड 6 लॉन्ग लेग्स. सो अ बटरफ्लाई हैज़ 6 लॉन्ग लेग्स. All butterflies go through these stages of growth. सारे butterflies को ये 4 stages पार करनी ही पड़ती है, वरना वो एक butterfly नहीं बन सकती. For each type of butterfly, the type of plants on whose leaves its female will lay eggs is fixed. ये तो बहुत ही, मतलब बहुत ही कुछ अमेजिंग चीज़ है कि हर एक बटरफ्लाई का एक टाइप ऑफ प्लांट फिक्स्ड है एग्स देने के लिए. जैसे कि एक टाइगर बटरफ्लाई सिर्फ एक रुई के पत्ता पे अंडा देती है, वैसे ही और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज होती हैं वो भी एक स्पेसिफिक, मतलब एक झाड़ उनका फिक्स्ड है, एक लीफ फिक्स्ड है जिसके ऊपर वो अंडा देती हैं. अगर आपको बहुत जानकारी चाहिए इसके बारे में, आप गूगल कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं. The time the larva takes to emerge from the eggs is different for different types of butterflies. अलग अलग butterflies अलग अलग दिन लेते हैं अंडे में से निकलने के लिए. There is great variety in caterpillars. Caterpillar में इतनी तरह की varieties होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा. Different types of caterpillars are of different colors. मतलब उनके colors भी अलग अलग होते हैं. Their body is long, उनकी body long होती है. Many types of caterpillars are hairy. ऐसे कितने types के caterpillars होते हैं जिनके बहुत बाल भी होते हैं. Next, after we have cleaned the grain, ये क्या आ गया, एक मिनट, do you, okay. ये अपन को बताया है कि कितनी beautiful beautiful butterflies होती हैं और different different butterflies हैं और इन सब के नाम हैं, okay. After we have cleaned the grain, वी बाय, जब अपन कुछ बाजार से खरीद के लाते हैं दाल चावल, अपन उसको साफ़ करते हैं और फिर उसको एक बॉक्स में स्टोर करते हैं. इवन देन व्हेन वी ओपन द बॉक्स आफ्टर सम डेज वी मे सी सम इंसेक्ट्स इन इट. जब अपन उस बॉक्स को खोलते हैं, साफ करके भी जब उसको खोलते हैं तो उसमें अपन को थोड़े इंसेक्ट्स दिखते हैं. इंसेक्ट्स मतलब छोटे छोटे कीड़े. देयर कैन बी इंसेक्ट्स इन द ग्रेन स्टोर्ड इन प्लेसेस लाइक वेयर हाउसेज इन द ग्रोसर शॉप और इवन इन आवर होम्स. अगर आपने कोई दाल चावल या कोई भी चीज़ साफ करके रखी है फिर भी उसमें कीड़े हो जाते हैं. नाउ इफ़ अ फीमेल इंसेक्ट लेज एग्स इन दीज ग्रेन, अगर एक फीमेल, मतलब एक फीमेल किसको बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं एक मतलब एक लड़की, जैसे मतलब लड़का और लड़की, वैसे ही जानवर में भी मेल और फीमेल होता है. मेल मतलब एक बॉय, फीमेल मतलब गर्ल. तो जब एक गर्ल या फीमेल इंसेक्ट अंडा देती है कोई भी दाल चावल में तो अपन को वो नहीं दिखता है क्योंकि वो इतना छोटू होता है. द वॉर्म्थ एंड एयर दे गेट इन द बॉक्स, तो उनको वो बॉक्स के अंदर गर्मी मिलती है, राइट. तो विच द ग्रेन इज स्टोर्ड इज इनफ फॉर देम टू ग्रो, मतलब जो उनको वो डब्बे के अंदर गर्मी मिलती है ना उस अंडे को, उसके लिए वो गर्मी उनके लिए काफ़ी होती है उनको बड़ा होने के लिए. सो देयर ग्रोथ कंटिन्यूज इनसाइड द बॉक्स, इसलिए वो बॉक्स के अंदर ही ग्रो हो जाते हैं. दे ऑल्सो हैव द सेम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, उनकी भी सेम स्टेज ऑफ ग्रोथ होती है.
जैसे बटरफ्लाई की होती है एग लार्वा प्यूपा एंड एडल्ट. व्हेन वी ओपन द बॉक्स वी सी द इंसेक्ट्स इन द ग्रेन एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन विच दे आर. जब अपन उस बॉक्स को खोलते हैं फिर अपन को दिखता है कि भाई ये तो बहुत सारे स्टेजेस हैं, कोई छोटा दिख रहा है, कोई बड़ा दिख रहा है, और अल्टीमेटली वो एक इंसेक्ट अपने दाल चावल में लग चुका है. सो अभी ये एक क्विक रिकैप है कि अपन ने क्या क्या सीखा है. ओके, अ हेन सिट्स ऑन हर एग्स टू हैच देम. द फुल्ली ग्रोन चिक ब्रेक्स द एग शेल एंड कम्स आउट. एक मुर्गी अंडा देती है और फिर उसके ऊपर बैठ के उसको हैच करती है, उसको वार्म करती है. फिर एक चिक निकलती है जो पूरी तरह बड़ी हो गई होती है. एग, सेकेंड पॉइंट, एग, कैटरपिलर, क्राइसैलिस एंड एडल्ट आर द फोर स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. एक बटरफ्लाई चार स्टेजेस से गुजरती है. उसका नाम है एग, लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर, प्यूपा को बोलते हैं क्राइसैलिस एंड एडल्ट होती है बटरफ्लाई. द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज इट्स एग्स ऑन द लीव्स ऑफ द मिल्क वीड प्लांट. एक प्लेन टाइगर बटरफ्लाई अपने अंडे सिर्फ मिल्क वीड प्लांट के ऊपर ही देती है, वो होता है रुई का प्लांट. द लावा इमर्जेस फ्रॉम द एग. फिर वो एग फूट के लावा निकलता है. इट इज कॉल्ड द कैटरपिलर. लावा को कहते हैं कैटरपिलर. व्हेन द ग्रोथ ऑफ द कैटरपिलर इज कंप्लीट इट एंटर्स द प्यूपा स्टेज ड्यूरिंग विच इट लिव्स इनसाइड द क्राइसैलिस. तो जब वो कैटरपिलर अपनी ग्रोथ को कंप्लीट कर लेता है वो प्यूपा स्टेज में जाता है और प्यूपा स्टेज के अंदर वो क्राइसैलिस के अंदर ही रहता है और कुछ भी नहीं खाता पीता. द एडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द क्राइसैलिस. तो क्राइसैलिस फूटने के बाद उसमें से एक एडल्ट बटरफ्लाई बाहर निकलती है. इट मतलब बटरफ्लाई. बटरफ्लाई हैज सिक्स लॉन्ग लेग्स एंड फोर अट्रैक्टिव विंग्स. विंग्स मतलब पंख. Always remember, butterflies are a part of our environment. It is wrong to catch butterflies just for fun and to keep them tied with a string. ये बहुत ही अच्छी बात है बच्चों कि अपन को कभी भी butterflies को पकड़ना नहीं चाहिए और उनको धागे से नहीं बांधना चाहिए क्योंकि उनको भी हक है इस नेचर में उड़ने का, है कि नहीं. सो नेवर डू दैट. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर नाइसली. प्लीज़ डू कमेंट एंड गिव मी फीडबैक. ज़रूर लिखिएगा और मुझे फीडबैक बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, क्या आपको मज़ा आया. अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा. थैंक यू.